वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपका एक YouTube चैनल है तभी आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो आपको अगर नॉलेज चाहिए कुछ YouTube के रिगार्डिंग तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं YouTube के एक रीयूज कंटेंट के एक रूल के बारे में, एक पॉलिसी के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो गलती मैंने की है मेरे चैनल पे, मेरे दो यूट्यूब चैनल है, एक ये है मेन चैनल और एक दूसरा मैंने एक चैनल शुरू किया था। तो इस चैनल का कुछ ये नहीं है, इस चैनल पे कुछ ख़तरा नहीं है। जो नया चैनल है मेरा उस पर रील्स कंटेंट आया है और उसका मोनेटाइजेशन जो है वो अभी बंद हो गया है। वो फ्यूचर में आने वाले दिनों में चालू भी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो बंद हो गया है। तो रील्स कंटेंट क्या है यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपके दो यूट्यूब चैनल है और अगर आप किसी शूट को, किसी आपके डेटा को, अगर आपने कोई शूट किया है और उसको आपने आपके एक मेन चैनल पे अपलोड किया है और उसी शूट को आप उसी डेटा को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके, एडिट करके अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप अपलोड करते हो तो रीयूज कंटेंट के अंदर आता है। और ये एक बार अगर आता है तो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने इस मेन चैनल पे रेलवे के बारे में, जो हमारे शहर में, बीड शहर में जो रेलवे आ रही है उसका काम चल रहा है, तो उसके वीडियो जो मैंने इस मेन चैनल पे अपलोड किए थे उसी का जो शूट है, वो डेटा है, वो मैंने मेरे नए चैनल पे भी अपलोड किया था थोड़ा एडिट करके, लेकिन फिर भी उस पर रीयूज कंटेंट आ गया और उस चैनल का जो मोनेटाइजेशन है, जो अर्निंग हो रही थी उस चैनल की, वो बंद हो गई है। तो मुझे फिर से अभी जो उसका वॉच आवर है वो कंप्लीट करना है। तो 3 महीने तक अभी उस चैनल से मैं अर्न नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता उस नए चैनल से। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि YouTube आपको कुछ बताता नहीं कि इस वीडियो पर आपके रीयूज कंटेंट आया है, या पहले वार्निंग भी नहीं देता YouTube, डायरेक्टली आपका मोनेटाइजेशन जो है वो बंद कर देता है, डिसेबल कर देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर ऐसा करते हो एक शूट को, ये अगर आप कहीं गए और आपने कुछ शूट किया और उस शूट को आप अगर 2-3 चैनल पे यूज़ कर रहे हो तो वैसा मत करिए, क्योंकि रीयूज कंटेंट के अंदर वो आता है। ओके, तो अब आपको मैं वाइट स्टूडियो के अंदर जाके दिखाता हूँ कि डिटेल में कैसा क्या हुआ है। वाइट स्टूडियो के अंदर जाने के बाद, ये तो पुराना चैनल है, तो अब नए चैनल को ओपन करता हूँ, स्विच अकाउंट, और ये नया चैनल है। तो देखिए यहाँ पे जो वीडियोज़ है बहुत ही कम है, बहुत सारे वीडियो मैंने डिलीट किए हैं। तो सीधा अर्न पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए योर चैनल इज़ नॉट करंटली एबल टू अर्न। तो अर्निंग करने के लिए एबल नहीं है क्योंकि डिसेबल हुआ है मोनेटाइजेशन। तो व्हाट हैपन्ड, यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है, आफ्टर रिव्यूइंग योर चैनल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड ह्यूमन रिव्यूज़, वी फाउंड दैट इट डज नॉट फॉलो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। कि जो रिव्यूज कंटेंट है, देखिए नीचे आया है रिव्यूज फीडबैक, रीयूज्ड कंटेंट जो है इसके लिए, इसके कारण ये हुआ है। तो अभी नीचे दिया था अपील का एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था अपील का, अपील करने का, अगर मैं रीयूज कंटेंट नहीं मैंने किया है तो मैं अपील कर सकता था। तो मैंने अपील नहीं किया है क्योंकि मैंने सच में रीयूज किया था। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है, देखिए 2 नंबर का ऑप्शन, एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई, रिव्यू अवर फीडबैक देन मेक चेंज टू योर चैनल, चेंजेस कैन इंक्लूड एडिटिंग और डिलीटिंग वीडियोज़ एंड अपडेटिंग वीडियो डिटेल्स, यू कैन री अप्लाई स्टार्टिंग फ्राम 22 दिसंबर 2024 एज लॉन्ग एज योर चैनल मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। देखिए तो नीचे अभी मुझे फिर से 4000 घंटे कम्प्लीट करने हैं, मुझे 1000 सब्सक्राइबर नहीं करने हैं, सिर्फ 4000 घंटे कम्प्लीट करने हैं। तो अब देखिए मुझे कितना वॉच आवर कम्प्लीट करना है, 3300, क्योंकि 700 तो है, 3300 अभी मुझे वॉच आवर कम्प्लीट करना है। तो ऐसा है पूरा। तो मैंने जो वीडियोस थे वो सभी डिलीट कर दिए अभी इस चैनल से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।